तो ये वाला वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सलार में ना श्रुति हसन के कैरेक्टर को लेके, क्योंकि इनके कैरेक्टर को लेके काफ़ी बड़ा अपडेट निकल के आ रही है। और साथ साथ इस मूवी में ना श्रुति हसन और अपने प्रभास सर के बीच में ना एक रोमांटिक एंगल को फिल्माया गया है, इसको लेके भी हम लोग बातें करेंगे। ये रोमांटिक एंगल एक्चुअल में कितना ज़्यादा रोमांटिक, इस सॉन्ग को लेके मेरे पास जो अपडेट निकल के आया है तुम लोग को जब भी मैं बताऊंगा तुम लोग बोलेंगे संजू, मतलब जो अपने सलार भैया है वो थिएटर में भाई तो बॉम्ब फोड़ेगा ही फोड़ेगा, बट इसके साथ साथ ना प्यार भी बांटेगा। तो चलो फिर एक एक चीज़ में बात करते हैं कि एक्चुअली में श्रुति हसन का क्या कैरेक्टर है, साथ साथ ये रोमांटिक एंगल एक्चुअली में कितना ज़्यादा रोमांटिक है। और जहाँ डार्लिंग प्रभास है भाई, तो प्रभास सर के नाम के आगे ही डार्लिंग है, तो इसे समझ सकते हैं रोमांटिक एंगल कितना ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। चलो फिर एक चीज़ में बात करते हैं, उससे पहले एक चीज़ में तुमको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अभी तक जो भी भाई लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को ज़रूरी सब्सक्राइब कर लेना। सो बैक टू बैक आते हैं श्रुति हसन के वाला कैरेक्टर पर। सबसे पहले मैं तुम लोग को बता दूँ श्रुति हसन के कैरेक्टर का नाम ना सलार में आद्या होने वाला है। ये फिल्म में एक टीचर बनी हुई है। सो अभी तक जो अपडेट मेरे पास आया है वो अपडेट के मुताबिक जो आद्या है एक तो बेसिकली टीचर है, और इसके साथ ना कुछ गलत चीज़ें हुआ होता है, कुछ गुंडे लोग शायद इसे परेशान कर रहे हैं या फिर इसकी फैमिली को परेशान कर रहे हैं। देन उसके बाद प्रभास सर ये लोग को बचाते हैं गुंडे लोगों से। देन उसके बाद ये प्यार वाला सिलसिला स्टार्ट हो जाता है, और एक हद तक ये प्यार वाला सिलसिला जाता है, मतलब अपने बंदे के लिए कुछ भी। ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो इनकी लव स्टोरी है ना इसको काफ़ी अच्छा तरीका से दिखाया गया। अब यहाँ तो मैं ऐसा मत समझ लेना है कि पूरी की पूरी फिल्म में आद्या और सलार भैया की लव स्टोरी तुम्हें देखने को मिलेगी, नहीं। बट हाँ, जितने भी देर स्क्रीन पे भाई इनकी लव स्टोरी को दिखाया गया है प्रशांत नील ने बहुत ही अच्छा तरीका से प्रेजेंट करा है, और इसी का नतीजा है इसमें जो गाने डाले गए हैं एक रोमांटिक एंगल टाइप से गाना डाला गया है, और ये गाने वन ऑफ द बेस्ट गाना है इस फिल्म का। मतलब ऐसा बताया जा रहा है कि श्रुति हसन और सलार के बीच में, प्रभास सर के बीच में जो गाना है ये फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट गाना होने वाला है। ये गाना अगर तुम जब भी सुनोगे तो तुम्हारा भी दिल गार्डन गार्डन हो जाने वाला है। सोचो ये चीज़ें जब भी मेरे को बताई जा रही थी ये अपडेट, तो वही मेरे को उस टाइम इतना ज़्यादा खुशी मिल रहा था। मुझे ना प्रॉपर ना वो केजीएफ का महबूबा वाला गाना याद आ रहा था, क्योंकि जो भी लोग केजीएफ चैप्टर को देखे होंगे उस फिल्म में यश सर और श्रीनिधि शेट्टी के बीच में ना एक गाने को पिक्चराइज करा गया हुआ था, वो गाना बहुत सही लगा हुआ था। मतलब मैं फील कर रहा था यार, जैसे वो गाना है ना, पब्लिक उम्मीद भी नहीं करी थी कि केजीएफ में इस टाइप से गाना भी हम सबको देखने को मिलेगा, मीन्स रोमांटिक गाना भी देखने को मिलेगा। पब्लिक पागल, सब सीटियाँ बजा रहे हैं, क्योंकि भाई रॉकी भाई को वो लोग देख रहे हैं कि प्यार मोहब्बत करता हुआ। क्योंकि उस फिल्म में प्रशांत नील ने जिस तरीके से रॉकी भाई के कैरेक्टर को फिल्माया था, दर्शाया था, ऐसा लग रहा था कि ये बंदा रूड है, मतलब सिर्फ मार धाड़ करता है। बट ये किसी को नहीं पता था ये बंदा प्यार भी करता है और इस लेवल पे करता है। बट यहाँ मैं तुम लोग को बता दूँ, ये जो सलार का कैरेक्टर है ना बहुत ज़्यादा ब्रूटल है, मतलब इसको गुस्सा नहीं आता है, और जब आता है तो भाई पूछो मत वो क्या क्या करता है। इसीलिए सलार के कैरेक्टर को ही ना भाई इंडिकेट करा जा रहा था मोस्ट वायलेंट मैन से। मुझे इस इंसान पे एक प्रॉपर एक रोमांटिक गाना पिक्चराइज करा गया, और काफ़ी हद तक रोमांटिक है। मतलब ये गाना जब भी आएगा तो आई थिंक मेरे को लगता है ना सबकी जुबान पे ये गाना होगा, इसके साथ साथ ये गाना विजुअली भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। बाकी तो अभी सिंगर को लेकर कोई भी अपडेट नहीं निकल के आया कि एक्चुअली में इस गाने को किसने गाया हो, बट अभी तक यही चीज़ पता चला है श्रुति हसन और डार्लिंग प्रभास के बीच में, मीन्स प्रभास सर के बीच में एक रोमांटिक एंगल को फिल्माया गया है। और श्रुति हसन का सलार में जो कैरेक्टर है उस कैरेक्टर का नाम है आद्या, और ये एक टीचर बनी हुई है जो बच्चों को पढ़ाती है। तुम लोग बताओ क्या तुम लोग ने उम्मीद करा था कि द मोस्ट वायलेंट मैन है ये भाई गाना गाते हुए भी दिखाई देगा। ओह, अब ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इसे प्रशांत नील किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और प्रेजेंटेशन में तो प्रशांत नील का कोई जोड़ नहीं है भाई, एकदम बेजोड़ लेवल पर प्रेजेंटेशन करते हैं। ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताओ। हाँ, ये वीडियो तुम सबको जरा भी पसंद आया प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हो तो प्लीज़ मेरे भाई चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना। सो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।